फैसला कर ये मैं इससे डिसएग्री नहीं करूंगा। नहीं, वैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में तो पार्टी रिप्रेजेंट करती है जी, कैंडिडेट तो इनको तो लिस्ट देनी होती है, अगर उसको हटाना हो तो हटा के। आई वुड एग्री विद द लर्नर्ड, आई जस्ट क्वेश्चनड यू, सर मेरे ख्याल में सम एंड यू हैव नॉट रेड अदर्स, मेरे ख्याल में एज अ मैटर ऑफ अबंडेंट कॉशन उनको नोटिस जरूर जाना चाहिए। But we won't know the names, etc. No, we have the names. You have to have to provide the particulars and all that. No, it's in the CMA. Everything is provided. They can You'll have served. To move an application with all the particulars so we can issue. I can do that. No, let's proceed. Yes, sab maujood hai. They can also be served through the election commission. Yes. Because the election commission notified details. So, ek yahan bata dijiye ki ye Sunni Ittehad Council ne as a party participated in the election? Nahi. Chupan ho rahe hain. They did not. 55. You are a political party? Yes. Can you show us your registration? Sir, ये ECP ने recognize किया हुआ है, order में भी रखी है, इस पे कोई dispute नहीं। इसमें एक सवाल मज़ेदार करते हैं। You have not participated as a party? No, we did not. My Lord Khan साहब के सवाल में एक और भी आती है। क्या party contest करती है या party candidate खड़ी करती है? Number one. Party candidate खड़ी करती है 66 के तहत। और अगर वो तो कैंडिडेट खड़ी करती तो इसका मतलब है कि वो पार्टी कंटेस्ट करी, तो क्या पीटीआई ने कंटेस्ट किया था, कैंडिडेट खड़े किए थे? सर दिस इज ए क्वेश्चन। फैसल साहब मैं आपको आपकी मदद करता हूँ मैं अपने कोलीग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने तरीके से आर्ग्यू करें, फिर हम आपसे बाद में सवाल पूछ लें तो बेहतर होगा। मगर अगर वो आप अपने तरीके से आर्ग्यू करें ना, क्योंकि इतने वकील भी वी बीन इन योर पोजिशन ये सिर्फ फैक्ट्स आ गए हैं जी, कोई और फैक्ट आप बताना चाहते हैं? कुछ तारीखें दे दीजिए, 21 दिन को क्या होता हाँ, है? ये मैं देना चाहूंगा जी, एंड देन मे बी आई कैन मेक एन एप्लीकेशन, दे कैन बी सर्व्ड थ्रू अ, वो अभी तो फैक्ट्स दे रहे हैं जी, जी, जी। सर इसके लिए अगर मैं आपसे काइंडली सिर्फ ये जो मैंने एक नोटिफिकेशंस कंपाइल की हैं, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन विच हिज लॉर्डशिप जस्टिस मंसूर हैड ऑल्सो रे कि वो डेट्स क्या है, तो अगर मैं काइंडली पेज वन पे आ जाऊं, सीएमए नंबर कौन सा है? ये सीएमए नहीं है सर, ये मैंने सारे नोटिफिकेशंस जी जी आप एक्स्ट्रा कॉपीज दिए इनको? नहीं नहीं, ये सर एसीपी के सिर्फ नोटिफिकेशंस हैं, दिस इज द लॉ, दिस इज ऑल, दिस इज नथिंग, नो डॉक्यूमेंट। कॉपीज करवा लेना, वो भी मैं दे देखेंगे, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा सर, मैं दे दूंगा। इफ यू आर रेफरिंग टू अ दिस इज ऑल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, सो इट इज देन वी जी, मैं बिल्कुल दे दूंगा। दे कांट, दे डोंट हैव इंटरनेट एक्सेस हियर सर, या तो अभी शायद लाइट भी चली गई। अच्छा सर, पेज वन काइंडली, ये बिजली क्या जनरेटर पे नहीं है? पूरा जनरेटर पे क्यों नहीं आ रहा है? सफोकेशन हो जाएगा ये, एक सेकंड, मगर ये कुछ तो चल रहा है, ये टीवी वगैरह तो चल रहे हैं, लाइट चल रही है, आई थिंक ओनली एसी है स्टॉप्ड, एसी बंद हो गया। Light electricity is सर एट पेज नंबर वन इज द फर्स्ट क्रिटिकल डॉक्यूमेंट विच इज हाउ द इलेक्शन प्रोसेस स्टार्टेड 15 December 2023, द शेड्यूल इज गिवन, एंड इफ यू लॉ आई वोंट रीड द इंटायर डॉक्यूमेंट बट इन रिलेशन टू दिस केस इफ योर लॉर्डशिप, सीरियल नंबर टू इज ऑल्सो रिलेवेंट जी जी, सीरियल नंबर टू बताएं, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर, ये फाइलिंग ये एक्सटेंड हो गया था दो दिन से, ठीक 22 से 24 तक, जो इसमें नहीं है वो एसीपी ने अपने ऑर्डर में वो किया हुआ है। व्हाट डू यू वांट टू शो फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट? दिस इज द एंटायर शेड्यूल। ओके, कितने कैंडिडेट आजाद खड़े थे, वो आगे वाले कितने पार्टी से अफिलेटेड जी, दिस विल शो द नॉमिनेशन पेपर जी, लास्ट जी फाइनल लिस्ट ऑफ द, योर लॉर्डशिप हैड रेज टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट द सेंट्रल क्वेश्चन अराइजेस दैट ए पार्टी, इंपॉर्टेंट डेट्स बता देना वेयर यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर केस फ्रॉम सो दैट वी नो ये ये जी, तो ये 15 दिसंबर को शेड्यूल इशू हुआ एंड जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो फाइल होते थे 22 तक,
22 से 24 जी। बिफोर बिकॉज द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर डिनाइंग द पीटीआई द सिंबल केम ऑन द 22nd of December 2023 सो वी हैड एक्चुअली सबमिटेड our list for reserved seats for both women and non-Muslims by the 22nd. With the affiliation certificate of... Yes. So, this. Now I come to page 2, sir. Yeh maine as a sample ke taur pe lagaya hai, sir, sirf. कि ये जो अनाउंस होते हैं रिजल्ट बिकॉज हिज लॉर्डशिप इट इंक्वायर्ड अबाउट द अनाउंसमेंट ऑल्सो ये बताया ना कि इसके बाद दो दिन एक्सटेंड हुए फॉर जी फाइलिंग नॉमिनेशन जी जी और उसके बाद जी ठीक है सर फिर जस्ट गो थ्रू दिस थिंग जी जी फर्स्ट इज द इम्पोर्टेंट वन इज द नॉमिनेशन पेपर लास्ट फाइलिंग डेट जी देन द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स आर पब्लिश्ड जी इन द न्यूज़पेपर नंबर थ्री नो दे आर पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट आई थिंक नॉट कीप गोइंग थ्रू इट देन कम्स लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी जी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेट है नो एक सेकंड जी जी स्क्रूटनी आल्सो ऑफ द विमेन एंड द यस यस ओके लेट्स देन अपील्स देन लास्ट डेट ऑफ अपील्स पब्लिकेशन रिवाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेटचर रिवाइज लिस्ट 12 अलॉटमेंट इलेक्शन सिंपल टू कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स एंड पोलिंग डेट ठीक करेक्ट ठीक सर इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली सी सिर्फ मैं पेज 2 इसलिए दिखा रहा हूं सॉरी जस्ट 1 मिनट इन दिस Schedule in the publication of revised list of candidates are the reserved lists also published or not? They are published as far as I'm aware. They are like any other candidate, sir. So the revised list includes the reserved. Yes. आपका कहना है कि नॉमिनेशन पेपर से पहले पार्टी ने लिस्ट भी देनी है और अपने कैंडिडेट रिजर्व सीट के लिए नॉमिनेशन पेपर्स भी आने हैं जी लिस्ट भी देनी है और नॉमिनेशन पेपर्स ये तो शुरू में ही देनी है ना 104 के जी जी सेक्शन 104 के तहत देनी जी 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 बिफोर इलेक्शन जी जी उनको भी उसी 62 और 63 के तहत करना पड़ेगा दिस इज द लॉ जब मैं वो सेक्शन पढ़ूंगा तो दे गो थ्रू द सेम स्क्रूटनी फॉर द पीटीआई डिड द रिवाइज्ड लिस्ट कंटेन द reserve list जी, candidates जी 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 I would have filed that but our office has been sealed so all our documents are in that office that is why we are handicapped but they are with the election commission no they can provide नहीं देखिए I don't make such statement fleeting statement if you want an order we'll pass an order if you are don't say देखिए ऐसे ना करें ऐसे आपने by the way kind of thing you you filing a document which if your case is affected by it we would want your document to sir, be sir I should have access to those documents how will we know Mr. Faisal Siddiqui there's only one way to know things that is by filing something in the court chairman sir baat durust hai na sealed hai usme document I don't want him to address please you are answer ये ना करें जी जी डॉक्यूमेंट्स नहीं ये बातें नहीं आपको एप्लीकेशन देना है दीजिए जी जी मैं दे दूंगा बिल्कुल ये ऐसे ऐसे बट डोंट मेक दिस स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड जी जी मैं बिल्कुल एप्लीकेशन नेक्स्ट ईच टाइम यू विल से दिस डॉक्यूमेंट इज नहीं ये ना करें आई विल सर्टेनली गिव यू एक्सेस थैंक यू देयर इज अ जेन्युइन इफ देयर इज एन एप्लीकेशन अभी ऑर्डर कर देंगे उस पे बिल्कुल थैंक यू सर थैंक यू आई एम वेरी ग्रेटफुल सर सो लेट्स गो बाय द डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड जी 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 सर पेज 2 पे ये मैंने डॉक्यूमेंट सिर्फ इसलिए लगाया जस्ट बिफोर गोइंग टू पेज 2 नाउ यू हैव टोल्ड अस I assume these are your instructions that at page 1 item serial number 7 that is dated 11/1/2024 you said that the entire schedule was pushed forward by 2 days is that 2 days this is noted in the election commission's order so your instructions are that the revised lists for PTI revised list of candidates included the reserved the list of candidates included for PTI yes PTI. Yes yes and at some point in time then PTI lost its election symbol on 22nd 22nd of 22nd of December 2023 that is the original order of the election commission not the original the final order the
So final order. That's the final order of the election. Then it was this was challenged before the Peshawar High Court, which set aside the order. And then on 13 January 2020. Ultimately, the order is of the Supreme Court. Yes, yes. What date is that order? 13 January 2024. Ye dates pehle go step by step. Ye 22nd ko kya tha? What happened? Election Commission. 22nd December 2024. Is 2023. I'm sorry. This is when the Election Commission passed an order. Yes, my lord. That was the last date for filing nomination yes. papers. Yes, but we had filed our list for reserve seats on instructions. I say that. Then, my lord, that was challenged before the Peshawar High Court, and the Peshawar High Court through a short order dated 10 January 2024 set aside the order of the Election Commission. And then there, an appeal was filed by the Election Commissions, and your lordships were pleased to set aside that order. It 13th January 2024. ये सवाल आप नोट कर ले अभी जवाब देने चाहिए या बाद में देने चाहिए जी. क्या ये सिंबल लेने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि आईन के आर्टिकल 17 के तहत और इलेक्शन एक्ट के तहत बनी थी उसका वजूद बरकरार था या खत्म हुआ? मैं इसमें एक जो प्रिसाइज क्वेश्चन और दूसरी बात दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या सिंबल लेने के बाद उसके जो बकाया हकूक इलेक्शन लॉज में दिए गए थे क्या वो हकूक भी सल्व हुए या वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती थी वो सर्टिफिकेट कैंडिडेट को जारी कर सकती थी वो कैंडिडेट को मुकर्रर कर सकती थी क्या उस ऑर्डर के तहत किसी कैंडिडेट पे पाबंदी थी कि आप फलां पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ सकते ये सारी बातें क्या उसका इम्पैक्ट सिर्फ ये था कि सिंबल जो कि एक पार्टी को सहूलत के लिए दी जाती है कि आप कंपेन चला सकते हैं इसके अलावा उसकी क्या रिपरकशन yes. जिसको पेश ऐसा किया गया कि पार्टी खत्म हो गई और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया क्या ये सारी बातें हैं ये बताइए निकला किसी ने इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टुडे एन इनलिस्टेड पार्टी ऑफ इलेक्शन कमीशन की यस सो दैट आंसर्स द क्वेश्चन